हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिविल हाउस डिजाइन में। इस वीडियो में बात करेंगे लिंटल बीम रीइंफोर्समेंट डिटेल के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि मकान में लिंटल बीम क्यों दिया जाता है। लिंटल बीम मोस्ट कॉमनली जो विंडो होता है और डोर जैसे कोई भी ओपनिंग होती है उसके ऊपर लिंटल बीम दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि उसके ऊपर का चिनाई का लोड बीम बियर कर सके, या ये जो लिंटल बीम होता है अगर कॉलम से कनेक्टेड होता है तो ये जो लोड होता है लिंटल बीम के ऊपर का वो कॉलम में ट्रांसफ़र कर देता है। प्लिंथ बीम और फर्स्ट फ्लोर बीम के बीच में अगर लिंटल बीम देते हैं तो वो क्या करता है, वो सारे कॉलम को बांध के रखता है, जिससे कि मकान का अर्थक्वेक रेजिस्टेंस और भी बढ़ जाता है। लिंटल बीम देने से एक और फ़ायदा होता है कि जो कमरे होते हैं उसके अंदर छज्जा दे सकते हैं और साथ ही बाहर की ओर भी सनसेट दे सकते हैं। अब हम इसके रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो लिंटल बीम में जो मेन रीइंफोर्समेंट होता है उसके लिए 4 सरिया दिया जाता है 10 mm का, और साथ ही जो इसमें स्ट्रिप्स दिया जाता है वो 8 mm का दिया जाता है 6 इंच की स्पेसिंग के साथ, और इसमें कवर जो रहेगा वो 1 इंच दिया जाएगा मिनिमम। वॉल की थिकनेस 4 इंच हो या 9 इंच हो, उसमें मेन रीइंफोर्समेंट के लिए 4 सरिया दिया जाता है 10 mm का, और स्ट्रिप्स के लिए 8 mm का ही दिया जाता है। मकान में जो लिंटल लेवल पर बाहर की ओर छज्जा दिया जाता है उसके रीइंफोर्समेंट की बात करें तो उसमें मेन रीइंफोर्समेंट 10 mm का सरिया दिया जाता है, जिसके दोनों सिरों पर हुक तैयार कर दिया जाता है। साथ ही इस छज्जे में डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए 8 mm का सरिया यूज किया जाता है 6 इंच की स्पेसिंग के साथ। तो इस तरह से लिंटल बीम में रीइंफोर्समेंट दिया जाता है और साथ ही साथ छज्जे में भी रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। तो उम्मीद करता है वीडियो आपको काम का लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।